लक्ष्मी की शादी में चल रहा है सब कुछ गोलमाल। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। दरअसल ऋषि दूल्हा बनकर बैठा था लक्ष्मी के लिए, लेकिन उसे क्या पता कि दुल्हन के रूप में तो कमली बैठी है। लक्ष्मी ने बड़ी ही होशियारी से कमली की अपनी अदला बदली कर दी। जब रानो लक्ष्मी को फेरों के लिए लेकर जा रही होती है, तब अचानक लक्ष्मी बहाना मारती है परफ्यूम लगाने का। उस परफ्यूम को अपने ऊपर लगाते लगाते रानो को भी लगाने लगती है। और प्लान के मुताबिक सालू लक्ष्मी को धक्का मारती है, जिससे लक्ष्मी जानबूझकर उस परफ्यूम को रानो के आंखों में डाल देती है। कुछ देर के लिए रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी लक्ष्मी अपनी शादी का जोड़ा कमली को पहना देती है। इसके बाद लक्ष्मी का काम हो जाता है पूरा, कमली को मंडप तक पहुंचाने का। साथ ही ऋषि भी मंडप पर आकर बैठ जाता है। तो वही लक्ष्मी जब मंडप की तरफ से अपना मुंह छुपाकर निकल रही होती है, तब उसे ऋषि के होने का एहसास होता है। और लक्ष्मी समझ जाती है कि फेरों पर बलविंदर नहीं ऋषि बैठा है। कंफर्म करने के लिए लक्ष्मी ऋषि का चेहरा साइड देख लेती है। इसके बाद लक्ष्मी को चिंता होने लगती है कि अब सारा गेम बिगड़ जाएगा। वही आयुष और ऋषि का प्लान था। वही आयुष भी जहाँ इतना खुश हो रहा था कि लक्ष्मी और बलविंदर की शादी होने लग रही है, तब उसे सालू और बानी के द्वारा पता चलता है कि फेरों पर लक्ष्मी नहीं कमली है। आयुष के भी होश उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, ऋषि को भी एहसास होने लगता है कि जो उसके बराबर में दुल्हन बैठी है वो लक्ष्मी नहीं कोई और है। इसके बाद ऋषि जानबूझकर अपने शरीर पर खारिश होने का बहाना करता है। साथ ही आपको ये भी बता दे कि ऋषि का प्लान लक्ष्मी से शादी करने का नहीं था, बल्कि ऋषि लक्ष्मी और बलविंदर की शादी को रोकना चाहता था। देखना ये होगा कि इस गोलमाल शादी में कौन किसका दूल्हा और किसकी दुल्हन बनने वाली है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या कमली और बलविंदर की शादी हो पाएगी? कमेंट में बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।